तो रिव्यू करेंगे इस वीडियो में ग्लाइको 6% क्रीम के बारे में। भाई क्या है, कहाँ चलती है, कौन सी प्रॉब्लम में काम आती है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, कितनी बार लगाई जाती है, सावधानी क्या रखें, जानेंगे सब कुछ। देखिएगा, देखिए ग्लाइको 6% क्रीम एक ब्रांड नेम है माइक्रो कंपनी का। दोस्तों माइक्रो कंपनी से बनाती है, 2-3 स्ट्रेंथ में आती है, 12%, 6% और ग्लाइको ए नाम से भी आता है, ठीक है, वो भी 12% में ही आती है। तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं स्किन स्पेशलिस्ट और डर्मोटोलॉजिस्ट, तो सेल्फ यूज नहीं करना है। जाने इसके यूज के बारे में, तो दोस्तों इसके अंदर आता है ग्लाइकोलिक एसिड 6%। ग्लाइकोलिक एसिड एक्चुअली ये एक एसिड होता है, ठीक है, एसिड होता है फेस की स्किन के ऊपर एक्नी प्रॉब्लम में ही अच्छा काम करता है। अगर फेस की स्किन के ऊपर एक्नी प्रॉब्लम है तो एक्नी को ये हटाने के लिए, उसको कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों एक ये नेचुरल तरीके से मॉइस्चराइजिंग भी करता है, स्किन को ड्राई स्किन नहीं होने देता। अगर स्किन सूखी सूखी रहती है उसको भी ये खिला खिला रखता है, कोमल सॉफ्ट बना के रखता है। साथ ही साथ दोस्तों मेलानिन को भी कम करता है। अगर बॉडी स्किन के अंदर मेलानिन ज़्यादा बन रहा है जिसके कारण स्किन काली रंग की दिखाई देती है, छाया की प्रॉब्लम सी हो गई है, ऊपर वाली लेयर ब्लैक रंग की दिखाई दे रही है, तो वहाँ पर ये मेलानिन को बनने से कम करता है। साथ ही साथ उन एंजाइम्स को बनने से रोकता है जिन एंजाइम्स के कारण मेलानिन ज़्यादा बनता है, तो इस तरीके से काम करता है। मेलानिन की प्रॉब्लम में, छाया की प्रॉब्लम में, एक्नी प्रॉब्लम में स्किन को गोरा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बात करें भाई इसकी डोज के बारे में कि कितनी बार लगाई जाती है, तो आप दिन में 2 बार लगा सकते हैं, सुबह शाम। दोस्तों हो सकता है इसका यूज करने के बाद स्किन लाइटिंग होने लगे, स्किन लाइट हो जाए, तो आपको अल्ट्रावायलेट किरणों से स्किन का बचाव भी करना पड़ सकता है। या तो आप रात को लगाइएगा, या फिर आप धूप में मत जाइएगा, या फिर आपके पास एक अच्छा एसपीएफ वाला सनस्क्रीन होना चाहिए। बात करें साइड इफेक्ट की, तो दोस्तों साइड इफेक्ट थोड़े बहुत हो सकते हैं इसके, जैसे कि स्किन बहुत ज़्यादा लाल हो जाए, बहुत ज़्यादा इचिंग चलने लगे, जलन जैसा फीलिंग हो, ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। और ज़्यादातर ये बहुत ही कम चांस में होते हैं, ज़्यादातर लोगों के नहीं होते, तो सेफ है काफ़ी हद तक। दोस्तों आपको उतने ही एरिया में लगाना है जितने एरिया में प्रॉब्लम रहती है, एक्नी प्रॉब्लम है, छाया की प्रॉब्लम है, मेलानिन की प्रॉब्लम है, बाकी अगर सेफ एरिया है वहाँ पर इसका यूज़ नहीं करना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। लगाने के बाद 3-4 घंटे तक लगी रहनी चाहिए, उसके बाद आप चाहे तो चेहरे को वॉश कर सकते हैं। सावधानी यही कहूँगा कि डॉक्टर की सलाह से ही यूज़ करना चाहिए। प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग महिला है, वहाँ पर भी डॉक्टर की सलाह ले लेना चाहिए, बच्चे के लिए अच्छा होता है। लगाने के बाद अगर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है तुरंत डॉक्टर को बताइएगा, इसका यूज़ करना बंद कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये था संपूर्ण रिव्यू, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन जरूर देगा, कुछ भी समझो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में।